स्कॉर्पिन क्लास की तीसरी पनडुब्बी INS करंज आज से भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ये है पनडुब्बी INS करंज की तस्वीर। और अगर इसकी ताकत और खासियत के बारे में आपको बताना चाहूँ तो INS करंज को द साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम आवाज़ करती और दुश्मनों को ढूंढ कर सटीक निशाना लगाती है। और ये करीब 2 महीने तक पानी में रहने में सक्षम है। ऑक्सीजन बनाने की क्षमता से पूरी तरह से ये लेस है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 67.5 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो है 12.3 मीटर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो INS पनडुब्बी है कितनी ताकतवर है। और अगर आपको बताना चाहूँगी कि इसके पहले जो कलवरी और खंडेरी INS पहले से ही इंडियन नेवी का हिस्सा है और अब तीसरी INS करण जो है पनडुब्बी इंडियन नेवी का हिस्सा बनने जा रही है। इसके अलावा इसकी खास बात आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये पनडुब्बी ऐसी तकनीकी के साथ बनाई गई है कि दुश्मन देश की नौसेना इसकी टो भी नहीं ले सकती है। इसमें साइलेंसिंग तकनीकी है और रेडिएशन नॉइज़ है, लेवल हाइड्रो टाइनोमिक है, ऑप्टोमिस शेप जो है इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो पनडुब्बी है ये स्कॉर्पिन की तीसरी पनडुब्बी है INS करंज। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज ही ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो दर्शाता है और जो हिंदुस्तान है वो आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। अब एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी INS करंज की, जिस तरह से आज से लॉन्च किया गया है तीसरी है और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जिस तरह से ये पूरी तरह से जो है भारत आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से है ये। और कहीं ना कहीं जो है ये एक ऐतिहासिक जो है क्षण है, जिस तरह से भारतीय नौसेना में ये लगातार तीसरी पनडुब्बी जो है ये शामिल हो रही है। जो प्रोजेक्ट 75 है, जब 6 सबमरीन ख़त्म होगी, हमारा एक आपको पता है एक 30-ईयर सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्लान जो CCS ने क्लियर किया था, तो उसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो है 75 इंडिया है। जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है उसमें जो अभी आत्मनिर्भर कंपोनेंट है इसमें, उस पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेन रीज़न था कि एक हम बिल्कुल फोकस मैनर में इंडिजनाइजेशन को लेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बिल्ड टू प्रिंट हमको नो हाउ मिलता है फॉरेन OEM से। अभी हमारा प्लान होगा कि बिल्ड टू स्पेक्स हम बनाएंगे, इससे हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। तो जो हमारा जो 6 follow-on 75 इंडिया है उसका हमारे को AON मिल चुका है, तो अभी फाइनलाइज कर रहे हैं हम जो OEM हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उन दोनों को मिला के। सो हमारा प्लान है कि RFP जल्दी हम इशू कर दें। HM News के लिए सविता शर्मा।